तमिलनाडु के कुन्नूर में नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच बुधवार को सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्रैश होते ही MI-17V5 में आग लग गई और विमान के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें कि इस विमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, सेना के कुछ अधिकारी समेत 14 लोग सवार थे। देश भर में लोग CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत सभी लोगों की सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि इनमें से 11 लोगों का निधन हो चुका है। CDS बिपिन रावत की फैमिली कई पीढ़ियों से सेना में सेवा दे रही है और उनके पिता लक्ष्मण सिंह लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे। वहीं पत्नी मधुलिका रावत एक गृहिणी होने के साथ साथ समाज सेवी भी है। आपको बता दें कि परिवार संभालने के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लेती रही है। बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत फिलहाल AWWA यानी कि आर्मी वॉइस वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं। यह एसोसिएशन सेना के अधिकारियों, जवानों की पत्नियों, बच्चों और आश्रितों के कल्याण के लिए काम करने वाली नोडल संस्था है और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। AWWA के अध्यक्ष के तौर पर मधुलिका रावत पर युद्ध या अन्य सैन्य ऑपरेशन के दौरान वीर गति को प्राप्त शहीदों की पत्नी और आश्रितों की भलाई और सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि मधुलिका रावत ने शहीदों की पत्नियों के जीवन यापन और उनके विकास के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलवाए हैं। बता दें कि इसी साल महिला दिवस के अवसर पर भी मधुलिका रावत की अगुवाई में AWWA की ओर से आपको बता दें कि सेना जल लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के लोगों को विदेशी या अन्य कंपनियों की बोतल बंद पानी की बजाय सेना का जल खरीदने के लिए प्रेरित करना था, ताकि इससे होने वाली आमदनी का पैसा शहीद के बच्चों की पढ़ाई में लगाया जा सके। शहीदों के आश्रितों के विकास के लिए मधुलिका रावत अन्य अभियानों से जुड़ रही हैं। जी हाँ, तो आपको बता दें कि मधुलिका रावत भी इस विमान में शामिल थी। इस जो दुर्घटना हुई है उसमें वो शामिल थी। उनको लेकर अभी कुछ भी खबर नहीं आई है। जैसे ही हमें कुछ अपडेट मिलता है हम ज़रूर आपके पास लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। सुरभि की रिपोर्ट।